हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे सारे इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, जिन स्टॉक्स में हम कल ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम मंगलवार की बात करते हैं यानी 30 अगस्त की अगर बात की जाए तो इन स्टॉक में हमें अच्छी खासी प्रॉफिट मिल सकते हैं अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। वैसे अगर हम आज की मार्केट की अगर बात करें तो आज की मार्केट एक बड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखिए सपोर्ट लेके मार्केट ने अपर सर्वाइव कर गई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि कल मार्केट में आपको बुलिश नज़र आ सकता है। वैसे हम निफ्टी का लेवल बाद में देखेंगे, पहले चलिए हम देखते हैं कि कल के लिए हम कौन कौन सा स्टॉक में इंट्राडे कर सकते हैं। चलिए कल के लिए हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक होगा ई आई डी फेरी का। स्टॉक्स में अगर दिखा जाए तो इस स्टॉक में अच्छी खासी प्रॉफिट कल मिल सकते हैं इंट्राडे में, क्योंकि देखिए अगर हम ई आई डी फेरी का स्टॉक्स को देखते हैं, इस स्टॉक ने यहाँ पर ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म करके रखा है। देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे दोनों रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। ऊपर का जो ट्रेंड आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करके रखा है, मतलब एक रेजिस्टेंस जोन की तरफ काम कर रही है। यहाँ पर देखिए 4 टाइम रेजिस्टेंस ले लिया है, तो कल अगर ई आई डी फेरी इंडिया स्टॉक्स ने इस लेवल को ब्रेक कर जाता है, इसे ब्रेकआउट मिल जाता है तो अच्छी मूव हम ऊपर की तरफ मिल सकता है, तो स्टॉक को हम बाय करेंगे। 539 के ऊपर स्टॉक्स में बाय बनेगा। पहला टारगेट 533 रुपया, दूसरा टारगेट 534 रुपया और 525 का लेवल पे हम स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बाइंग साइड के लिए। लेकिन अगर मार्केट फॉल करता है, बीआर होता है, तो देखिए नीचे का जो सपोर्ट लेवल देख रहे हैं आप, पहले देखिए यहाँ पर सपोर्ट था, दूसरी बार वही लेवल्स पे, तीसरी बार, चौथी बार, मतलब नीचे के लेवल 4 टाइम्स सपोर्ट ले लिया है। तो कल अगर स्टॉक से ऐसे गिर जाता है और नीचे के सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे देता है और इसे रिटेस्ट करता है या कुछ टाइम इसके नीचे होल्ड कर देता है, तो बड़ा फॉल कर सकता है स्टॉक, तो हम स्टॉक को सेल करेंगे। 520 के नीचे स्टॉक्स में सेल बनेगा। पहला टारगेट 516 रुपया, दूसरा टारगेट 515 रुपया और 524 का लेवल पे हम स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो ई आई डी पेरी इंडिया हो गई हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक जिनमें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरा इंट्राडे स्टॉक्स की, तो मंगलवार के लिए हमारा दूसरा इंट्राडे स्टॉक होगा एजेस लॉजिस्टिक्स। अगर हम एजेस लॉजिस्टिक्स का स्टॉक्स को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है मार्केट, और पैटर्न को अगर देखा जाए पैटर्न भी बुलिश है। देखिए यहाँ पर राउंडिंग बॉटम का पैटर्न फॉर्म करके रखा है और साथ में जो निकलाइन था निकलाइन को ब्रेक किया है। ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पर हमें मार्केट स्टे करता हुआ नज़र आ रहा है इस लेवल के ऊपर। तो देखिए कल अगर एजेस लॉजिस्टिक्स इस स्टॉक इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन हो जाए तो आप इसे बाय कर सकते हो। फिलहाल में 239 का लेवल दिखाया, सॉरी 293 का लेवल दिखाया है बाय के लिए, लेकिन 293 के ऊपर कहीं भी आप बाय कर सकते हो एजेस लॉजिस्टिक्स को, आपके लिए अच्छी बाय होगा। टारगेट होगा हमारा 295 रुपया, दूसरा टारगेट 296 रुपया और 291 रुपया हम स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। राउंडिंग बॉटम है और इसके बाद यहाँ पर स्टे भी कर गया तो कल अच्छी मूव ऊपर की तरफ मिलेगा हमें। तो ये हो गया हमारा दूसरा इंट्राडे स्टॉक जिनमें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरा इंट्राडे स्टॉक्स की, तो कल के लिए हमारा तीसरा इंट्राडे स्टॉक होगा नाम इंडिया। अगर हम नाम इंडिया का स्टॉक्स को देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बियर नज़र आ रहा है, मतलब बियरिश देखने को मिल रहा है मार्केट, तो यहाँ पर सेल का मौका हमें मिल सकते हैं कल के सेशन में। देखिए ये जो लेवल आप देख रहे हैं नीचे का लेवल, ये एक सपोर्ट लेवल की किताब काम किया है, लेकिन इस सपोर्ट लेवल अगर कल ब्रेक कर जाए तो ये वन डे टाइम फ्रेम में अगर दिखा जाए, वन डे का जो ये कैंडल फॉर्म किया है बहुत ही अच्छी बियरिश कैंडल फॉर्म किया है, तो इसलिए मैं इस स्टॉक्स को सेल के लिए आपको दे रखा हूँ। तो कल अगर नीचे किस लेवल के नीचे चले जाते हैं स्टॉक्स, इसे ब्रेक डाउन दे देते हैं और इसके बाद इसे रिटेस्ट करते हैं या इसके नीचे होल्ड कर जाते हैं, तो बड़ा फॉल हमें मिल सकता है क्योंकि काफ़ी बियरिश नज़र आ रहे नाम इंडिया की अगर हम बात करें, तो स्टॉक को हम सेल करेंगे। 297 के नीचे स्टॉक्स में सेल बनेगा। पहला टारगेट 295 रुपया, दूसरा टारगेट 294 रुपया और 299 का लेवल पर हम स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो हमें नाम इंडिया का स्टॉक्स होगा ये हमारा तीसरा इंट्राडे स्टॉक जिनमें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। बात करते हैं चौथा इंट्राडे स्टॉक्स की, तो कल के लिए हमारा चौथा इंट्राडे स्टॉक होगा एबीबी इंडिया। अगर हम एबीबी इंडिया का स्टॉक्स को देखते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा बुलिश नज़र आए, इसलिए देखिए यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बाय के लिए स्टॉक्स को दे रखा हो, क्योंकि जो वन डे की यहाँ पर कैंडल क्रिएट करके रखा है, वन डे का कैंडल जो फॉर्म किया है बहुत ही अच्छी बुलिश है, और साथ में ये अगर ब्रेक कर जाए इसका 52 वीक हाई को यहाँ पर ब्रेक करेगा, तो ये भी एक ध्यान रखना है हमें। तो एबीबी इंडिया कल जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा, ऊपर का जो लेवल है देखिए आप कह सकते हो यहाँ पर राउंडिंग बॉटम कह सकते हो या इनवर्ट कप एंड हैंडल कह सकते हो, ऊपर का निकलाइन ब्रेक करता है तो स्टॉक में अच्छी मूव मिलेगा हमें आप साइड के लिए, तो स्टॉक को हम बाय करेंगे। 3215 के ऊपर स्टॉक्स में बाय बनेगा। पहला टारगेट 3235, दूसरा टारगेट 3240 एंड 3195 के लेवल पर हम स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो इन सारे स्टॉक कल आप जरूर ट्रैक करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों एक स्टॉक मैं आपको एडिशनल और दे रहा हूँ, मतलब 4 स्टॉक देता हूँ लेकिन आज मैं 5 स्टॉक आपको देने वाला हूँ। चलिए वो स्टॉक है यहाँ पर सीजी पावर। वैसे सीजी पावर पे भी काफ़ी बियरिश नज़र आ रहा है,
लेकिन इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए मैं स्टॉक्स को लेट में दे रहा हूँ। देखिए ये जो लेवल आप देख रहे हैं नीचे का लेवल, इस लेवल को अगर इस स्टॉक्स ने कल ब्रेक करते, इसे ब्रेक डाउन देते तो काफ़ी फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक्स में सेल का प्रेशर मिल सकता है हमें, और इस लेवल ब्रेक करने का मतलब काफ़ी सेलिंग का प्रेशर आप मिलेगा। तो स्टॉक आप सेल कर सकते हो 217 के नीचे, स्टॉक्स में सेल बने का पहला टारगेट 215 और दूसरा टारगेट 214। इस स्टॉक में बहुत ऊपर यहाँ पर देखने को मिले तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस जो है मैं नहीं दे रहा हूँ, आपका हिसाब से आप स्टॉप लॉस सेट करिएगा। लेकिन फिलहाल इस स्टॉक कल काफ़ी अच्छा बियरिश नज़र आ सकते हैं, सेलिंग के लिए अच्छी मौका मिल सकते हैं। अगर हम पिछला वीडियो का परफॉर्मेंस देखते हैं, मतलब पिछला वीडियो में जो स्टॉक दिया था आज की सेशन को ट्रेडिंग के लिए, वो कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो देखिए फिलहाल बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो इसलिए आपको कोई भी मौका नहीं मिला। सिर्फ एक ही स्टॉक में आज मौका मिला था हमें, वो है एस्कॉर्ट्स कबूतर। एस्कॉर्ट्स कबूतर का स्टॉक में आपको आज के दिन ट्रेडिंग के लिए दिया था पिछला वीडियो में, तो देखिए यहाँ पर हमें अच्छी मौका मिला था, राउंडिंग बॉटम था तो बाई, सिर्फ बाई के लिए हमें पहला प्रीफर था। जैसे जैसे ब्रेक किया था इस लेवल को, अगर आपने बाई किया होगा जैसे मैंने बताया था 1851 पे बाई करना है, तो अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर मिला होगा क्योंकि दोनों टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका था। वैसे तो इसके अलावा कोई भी स्टॉक्स में मौका नहीं मिला क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो सार में से सिर्फ एक ही स्टॉक में हमें अपना टारगेट मिला हुआ था। कल के लिए अगर हम निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं, वैसे बहुत ही शानदार तरीके से निफ्टी यहाँ पर रिवर्स कर गए, मतलब बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, 350 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी मार्केट सर्वाइव कर गई, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए निफ्टी कहाँ से सर्वाइव करेगा, कहाँ से रिवर्स लिया, देखिए निफ्टी के जो सबसे मेजर सपोर्ट कह सकते हो अभी तक वो 230 का लेवल वही लेवल से, क्योंकि इससे पहले देखिए इसी लेवल से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो यही लेवल से आज फिर से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, जो एक मेजर रेजिस्टेंस कह सकते हो पिछला कुछ दिनों के लिए। तो देखिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं निफ्टी में, पहला सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर 17307 का लेवल, 17307 का लेवल एक रेजिस्टेंस के लेवल है फिलहाल, ये अगर इसके ऊपर ओपन हो, ये इसे ब्रेक कर जाए तो देखिए यहाँ से हम कॉल का पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा अगर ये 17307 के ऊपर ओपन हो या इसे ब्रेक कर जाए। और पहला रेजिस्टेंस हमें मिल जाता है 17770 का लेवल, इस लेवल को अगर ब्रेक कर जाए तो दूसरा रेजिस्टेंस निकल कर जाता है 17537 का लेवल, ये दो लेवल एक रेजिस्टेंस की तरफ फिलहाल काम कर सकता है। लेकिन अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हो, मतलब 17232 की यही कहीं ओपन हो, मतलब 17300 के नीचे यही कहीं ओपन हो जाए, तो निफ्टी आपको सबसे पहले ऊपर हिट कर सकता है, इसे ब्रेक कर गए तो ऊपर गए, अदरवाइज अगर ब्रेक ना कर पाए तो ऐसे फॉल करने का पूरा चांस देखने को मिल रहा है अगर 17307 के नीचे ओपन हो। अगर लेकिन अगर नीचे हिट करें, मतलब आप कह सकते हो कि सबसे पहले 17300 के नीचे ओपन हो, 17307 के नीचे ही के ओपन हो और नीचे पहले हिट करें, नीचे जाके हिट करें कुछ टाइम होल्ड करें, तो यहाँ पर अच्छी तरफ से कह सकते हो मार्केट रिवर्स होगा और ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप कॉल ले सकते हो। तो ये दो लेवल और दो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है कल के दिन के लिए, तो आप निफ्टी में ये ध्यान रखिएगा। कल मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी का लेवल को दिखा दे, तो बैंक निफ्टी का लेवल बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर कल के लिए निकल कर आ रहा है इंटर स्टेशन के लिए 38370 का लेवल। 38370 का लेवल फिलहाल एक रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस फील किया था, दो दिन यहाँ पर ट्रेड किया, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ था बैंक निफ्टी में, तो कल भी इसका पूरा चांस है। अगर कल इसे ब्रेक कर जाए तो आप कह सकते बड़ा गैप अप भी मिल सकते हैं। लेकिन देखिए पहले हम यह ध्यान रखना है कि अगर बैंक निफ्टी कल 38370 के ऊपर ओपन हो, यही कहीं ओपन होने के बाद नीचे जाए और इस 38370 को रिटेस्ट करें, इससे कुछ टाइम होल्ड कर जाए तो फिर से ऊपर की तरफ जाने का क्षमता रखेगा, तो आप कॉल ले सकते हो यहाँ पर। या अगर ये 38370 के ऊपर ओपन हो तो उस क्षेत्र में, तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर निकल कर जाते हैं 38730 का लेवल पे, या अगर ब्रेक कर जाते हैं तो दूसरा रेजिस्टेंस हमें मिल जाता है 39120 का लेवल पे। ये हो गया अपर साइड के लिए। लेकिन अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपन हो या निफ्टी 38370 के नीचे वही कहीं ओपन हो जाए, तो देखिए पहले तो हमें ध्यान रखना है कि इससे बीच में ट्रेड कर सकते, लेकिन अगर 38130 के नीचे ओपन हो गैप डाउन, तो देखिए निफ्टी में शार्प मोमेंटम आ सकते हैं फॉल का, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस सॉरी अगला सपोर्ट जो है बहुत नीचे है, तकरीबन यहाँ पर 37600 का लेवल पे अगला सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो अगर 38130 के नीचे ओपन हो तो डायरेक्टली शार्प फॉल कर सकता है,